हाय किड्स, इस हफ्ते हमारा वर्ड ऑफ द वीक है डेंजर. व्हाट इज द वर्ड? डेंजर, DANGER. इसको कैसे पढ़ते हैं? डेंजर. डेंजर का मीनिंग क्या है? खतरा. ओके, खतरा होता है ना. खतरा कैसे होता है? खतरा मतलब आप अगर चले जाओगे ना, आप अगर आपके साथ वो हो जाएगा ना. डेंजर मतलब ऐसी कोई चीज जिससे आपको नुकसान हो सकता है. ओके, खतरा हो सकता है. जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं. ओके, यहाँ पे देखो, ये जो आदमी है वो भाग रहा है, इस लायन से दूर भाग रहा है. क्यों दूर भाग रहा है? क्योंकि खतरा है, वो लायन उसको शायद खा लेगा. राइट, वो डर गया है ना उससे, उसकी जान को. वो इंसान ये जो भाग रहा है वो मर जाएगा अगर लायन उसको खा जाएगा. तो ही इज इन डेंजर. क्या बोलते हैं? उसको खतरा है वो लायन से. ओके, सेंटेंस वन, अमन इज इन डेंजर ऑफ बीइंग ईटन बाय अ लायन. अमन खतरे में है. क्यों? क्योंकि उसको लायन खा सकता है. अमन की जान को खतरा है बिकॉज उसको ये लायन शायद खा जाएगा. सो अमन इज इन डेंजर. ओके, डेंजर में होना मतलब खतरे में होना. अगर आपको आपकी जान को खतरा है, अगर आप मर जाओगे तो ऐसा कहा जाता है कि यू आर इन डेंजर. ओके, देखो यहां पर एक और एग्जांपल देखो. ये जो आदमी इधर सोया है ना, इसको ये गाड़ी से किसी ने मार दिया है, एक्सीडेंट हो गया है. ओके, इसके फेस पे देखो खून निकल रहा है. तो ये चल रहा था और ये गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया और अभी ये जमीन पे लेटा हुआ है. तो सेंटेंस इज, When Ram got hit by a car, the doctor said that his life was in danger. ये राम है. राम got hit by a car. Hit मतलब मार लगना. तो राम को गाड़ी से मार लगी, टक्कर लगी. और फिर डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर said, ये डॉक्टर है मान लो, ये लेडी जो है ना वो डॉक्टर है. इस लेडी ने बोला That his life was in danger. उसकी जान को खतरा है, अगर हम उसे हॉस्पिटल लेके नहीं गए तो ये शायद मर जाएगा. ओके, डेंजर मीन्स खतरा. ओके, अगर हम खतरे से बाहर नहीं आएंगे तो हम मर जाएंगे. ओके, तो हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा, खतरे से दूर रहना चाहिए. ओके, तो ये डेंजर का मतलब है खतरा. थैंक यू.